इसी तरह से ये हाँ ना हिलता नहीं, क्या बताऊँ, ट्रक के आने पे ये पुल हिलता है, आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो उसको। हाँ मुझे थोड़े थोड़े पानी पड़े कुछ चालीस जुटे आने के लिए, यहाँ कोई कमी कोई डॉल्फिन भी देखने को मिल गई। अब हम जा रहे हैं करनाली से ठाकुर द्वारे। अगर किलोमीटर की बात करें तो 30 किलोमीटर है करनाली से ठाकुर द्वारे की दूरी। तो इसका मतलब है गाइज, ये हमारा स्थान है और यहाँ पर जो यहाँ के जानवर हैं वो आना जाना करते हैं इस रोड से, तो इसीलिए बोला गया कि गाड़ी की स्पीड 40 रखी है। जानवरों ने कहा है ये जानवरों का कहना है कि एक रोड सामने की ओर जा रही है और एक रोड राइट साइड की ओर जा रही है। तो जैसा कि आप गेट देख सकते हो बर्दिया नेशनल पार्क, हम लोग को इसी रास्ते पे जाना है। बारिश होना स्टार्ट हो गया बहुत तेज। भाई यो नेशनल पार्क जाने बाटो कति यतै हो? नेशनल पार्क यतै हो, 9 किलोमिटर अगाडि छ। अझै अनि बबई रिसोर्ट भन्ने चाहिँ कहाँ छ? बबई रिसोर्ट त्यहाँदेखि 1.5 किलोमिटर अझै अगाडि। यो तपाईँको दुकान हो? होइन बाइक हो। ए विक्स पाउँछ यहाँ? हजुर विक्स। विक्स मिठाई कि कस्तो? होइन यस्तो लाउने जुकाम के मरीज भी बैठे हैं हमारे साथ। तो यार अभी 10.5 किलोमीटर और हमें आगे जाना है और बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश के साथ साथ लगातार कोहरा भी बढ़ता जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है अभी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने। शेर तो यहाँ आके दिखा यार, वहाँ पर तो दिखा नहीं। इस चौक को यहाँ पर बोला जाता है ठाकुर द्वारा चौक। चौक से निकलते ही छोटी सी मार्केट भी स्टार्ट हो जाती है। मार्केट ख़त्म होते ही अब हम लेफ्ट साइड को जाएंगे क्योंकि इसी साइड में होटल्स और रिजॉर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, पर रोड थोड़ी अभी ख़राब है, कच्ची रोड है यहाँ से। हजुर मैले बुकिङ गरेको थिएँ। हजुर तपाईँ किशोरजी हो? होइन यही बाटो होला। ए हुन्छ हस्, थोडी मिस्टेक हो गई, कहीँ दुसरे रिजोर्ट पहुँच गए। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके है हमारा रिजोर्ट जिसमें बुकिंग की हुई है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी, रात को दिखाई नहीं दे रहा। ये सामने जो आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं ये कोई वॉलपेपर नहीं है,
ये रियल में किसी ने बनाया हुआ है। वेलकम बैक गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ठाकुर द्वारे में। तो करनाली से हम लोग निकले थे जैसा कि आप लोग को पता ही है, तो अब जाके हम लोग पहुंचे हैं फाइनली यहाँ पर। बीच में बहुत जगह पे हम लोग कन्फ्यूज हुए थे कि किस रिजॉर्ट में जाना है। एक्चुअली पता तो था हमको जिस रिजॉर्ट में हम लोगों ने बुकिंग की थी, लेकिन क्या था, बारिश की वजह से दिख नहीं रहा था कुछ साफ, तो बहुत जगह हम लोग कन्फ्यूज भी हुए तो गलत भी चले गए थे। लेकिन फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए पूरे शीशे बंद थे गाड़ी के और हीटर ऑन था, तो नींद भी आ रही थी उस टाइम। तो ऐसा लग रहा था कि यार जाके बस सो जाएंगे बस यार, लेकिन अभी जाके लग रहा है कि यार हाँ कुछ जान में जान आई है और मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग डिनर विनर करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा आप लोग को दिखा दूं कि किस रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए हैं अभी यहाँ पर। तो मिलते हैं गाइज, और थोड़ा सा क्योंकि रात का टाइम है, अभी बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी क्या है कि बारिश रुक चुकी है तो इसलिए अभी हम लोग नीचे जाएंगे और थोड़ा मैं दिखाता हूँ अभी रात को जितना हो सकता है। तो अभी चलते हैं नीचे और करते हैं एंजॉय। तो ये रहा हमारा रूम, पूरा जो है रिजॉर्ट है, और हमारा रूम से जो व्यू है इस रिजॉर्ट का, ये देख सकते हो कितना प्यारा है। ये तो आपको मैं बता दूँ, ये बबई रिजॉर्ट के हैं, यहाँ पर काफ़ी कूल है। अभी रात का टाइम है, बारिश भी हो रही है, तो कल मैं सुबह आप लोगों को दिखाऊंगा। यम तो आगे आगे भाई चल रहा है मेरा, कस्तो लागे छ? एकदम राम्रो छ। राम्रो छ, अच्छा छ, फर्स्ट क्लास। यार गाइस, मुझे जरा खराश हो रही है गले में, तो यार गर्म गर्म आग के साथ गर्म गर्म चाय भी आ गई है। यहाँ पर हमारा कमरा है और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो। यार तुम लोग यार अभी से स्टार्ट हो गए बॉनफायर जो है, वो भी बगल में ही है क्योंकि ठंड भी हो रही है, इसलिए साथ साथ में सिकाई भी हो रही है। और इधर आप देख सकते हो ये जो एरिया है बारबेक्यू का है, गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11। तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाया कि आग के आसपास हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने डिनर तो किया नहीं, क्योंकि हम लोग आपको पता ही है कि 4:30 बजे हम लोगों ने लंच किया था दिन का, तो पेट वैसे ही भरा था, तो थोड़ा थोड़ा स्नैक्स हम लोगों ने खा लिया था, इसलिए पेट हमारा फुल हो चुका है अभी। तो अभी हम लोगों ने गप्पे सप्पे मारे, उसके बाद हम लोग वापस रूम पे आ चुके हैं। तो यार मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि हम लोग 4 लोग हैं टोटल, तो वैसे हम लोग 6 लोग हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोग 6 लोग कैसे हुए। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा डमरू, देखिए कितना क्यूट है। तो इसका जो ये जो ब्रीड है, ये जैपनीज स्पिट्स करके है, तो इसे हम लोग 35 दिन का था जब तब लेके आए थे, तो अभी ये 3 महीने का हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा बदमाश है ये पॉटी वोटी कर देता है अंदर ही। तो एक तो ये है हमारे साथ, और दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने वैसे पहले भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो ये हमारी क्यूटी, तो बहुत सी वीडियो में आई हुई है। तो टोटल हम हो गए 6 लोग, तो इसको भी हम लोग लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि घर में हम लोग इन लोग को रख नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग इन लोगों को लेके आए हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि हम लोगों ने एक दिन स्टे करना था यहाँ पर, तो घर में अगर ये लोग रहेंगे तो फिर इन्हें खाना कौन देगा। तो इसलिए ये देख सकते हो आप दोनों को, बहुत ही प्यार से रहते हैं ये लोग। बहुत लड़ते रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, ये देख सकते हो आप। तो गाइज हम लोग तो कर रहे हैं इंजॉय यहाँ पर। मैं ये वीडियो जो है अभी एंडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि इसका एक रीज़न है। कल अगर हम कल हमारे कुछ प्लान्स हैं, थोड़ी लंबी वीडियो भी हो सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का अभी यहीं पर ही एंडिंग कर दूँ। तो गाइज मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो अभी के लिए आप सबको गुड नाइट और जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।